हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट सा हेयर स्टाइल करेंगे, बन हेयर स्टाइल है। सबसे पहले मैंने फ्रंट से इस तरीके से हेयर को लिया है एंड इसको करेंगे हम लोग, चोटी बनाएंगे इसमें। तो चोटी बनाने के लिए इस तरीके से ईयर के पास से हेयर को नहीं लेना, बस फ्रंट से लेना जहाँ से हम लोग बैंग्स कट करते हैं। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है। उल्टी चोटी गूँथनी स्टार्ट करेंगी। उल्टी चोटी मतलब बीच वाला पार्ट ऊपर की तरफ से निकलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से गूँथना है। दूसरी साइड भी देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से खींचते जाएंगे, ओके, दोनों साइड से। गूंथने के बाद से हम लोग इस तरीके से लेंगे ऊपर से हेयर को और क्लिप की मदद से इसको यहीं पे सिक्योर कर देंगे। एक साइड का दूसरी साइड जाएगा, दूसरी साइड वाला इस साइड आएगा और इस तरीके से सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद से आपको लेना सारे बालों की एक कोनी बना लेनी है। तो इस तरीके से मैंने पिन लगा लिया है, डबल पिन, ओके। दूसरी साइड भी इस तरीके से लगा लिया है एंड फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अब बैक साइड से आपके सारे बालों को एक साथ ले लेना है। सारे बालों को एक साथ लेके एक रबड़ बैंड लगा लेंगे। रबड़ लगाने के बाद से इस तरीके से सेंटर से होल करेंगे और सारे बालों को नीचे की तरफ खींच लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर रबड़ के जस्ट ऊपर डोनट बंद को लगाएंगे। डोनट बंद लगा के यूपिन से इसको सिक्योर कर देंगे एंड एक लेयर लेके उसकी चोटी बना लेंगे। इस तरीके से चोटी को खींच के डोनट बंद को हाइड कर देंगे। फिर बचे हुए पार्ट्स को दोबारा से एक चोटी बनाएंगे और चोटी बना के सेंटर में इस तरीके से राउंड राउंड लपेट के यूपिन से सिक्योर कर देंगे और डोनट बंद को पूरा अच्छे से हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद से कुछ बंद का जो लुक है वो इस तरीके का आएगा। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये है बन का फाइनल लुक। इसको आप साड़ी के साथ कर सकते हो और पार्टी वार्टी में गर्ल्स के बाल अगर लंबे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है, यूनिक है और बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बन गया है। तो कैसा लगा आपको हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा। रात को 9 से 11 बजे के बीच में लाइव आती हूँ, वहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन हो सभी का मैं रिप्लाई करती हूँ। तो रात को 9 से 11 बजे के बीच ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।